चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 41.3 रुपीज की, और बुक वैल्यू है 10.6 रुपीज की। पेट्रोस की स्कोर है 6 का। ये जो कंपनी है, ये जो अपन देख सकते हैं मर्चेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अपन और देखें यहाँ प्रोज एंड कॉन्स में, सबसे पहले तो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 3.96 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो लो है, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी लो है 22.5% का लास्ट 3 ईयर से। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज कर रखी है 27.4% की, और कंपनी की अच्छी चीजें देखें तो अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है कंपनी की। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 39 करोड़ का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 2024 में। उसके पहले इनका हर क्वार्टर निगेटिव में रहा है, हर क्वार्टर एवरी सिंगल क्वार्टर निगेटिव में रहा है। और हाईएस्ट निगेटिव जो है मार्च 2020 में हुआ था, उस क्वार्टर 2022 में हुआ था 140 करोड़ का। अब अगर अपन यहाँ पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें तो 71 करोड़ का नेगेटिव 2024 में, 183 करोड़ का नेगेटिव 2023 में, 2022 में 190 करोड़ का, फिर 42 करोड़ का 2021 में। उसके पहले अगर अपन देखें तो 2020 और उसके पहले लगातार हर ईयर ये लोग प्रॉफिट में थे। अभी पिछले 4 साल से ये लोग लगातार लॉस में चल रहे हैं। अब चलिए अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो है 73 करोड़ का। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है 1503 करोड़ का, और हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो -1550 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब अगर अपन यहाँ पे ईयरली रिजल्ट्स, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 38.49% की प्रमोटर होल्डिंग है, 0.36% की एफआईएस की होल्डिंग है, डीआईएच की कुछ होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग जो है वो 57.56% की। प्रमोटर होल्डिंग लो है ओवरऑल, और फाइनेंसिस भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं कंपनी के। इस वजह से हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि 54 के बाद हम एटलीस्ट अपने लिए कोई भी बात करेंगे। आप लोगों के लिए जो सजेशन है वो ये है कि अगर आप नहीं भी करते हैं इसमें कोई काम तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक है काफी रिस्की पोजिशन पर है, फाइनेंसिस अच्छे नहीं है कंपनी के। पिछले 4 साल से जो है कंपनी लॉस में चल रही है, एंड इसीलिए थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहने की जरूरत है ओवरऑल। अगर अपन जैसे फिर से एक बार यहाँ वेरीफाई करें, देखिए 71 करोड़ का लॉस, फिर 183 करोड़ का, फिर 190 करोड़ का, फिर उसके बाद 2021 में यहाँ पे देखें अगर अपन तो 42 करोड़ का। तो लगातार यहाँ पे लॉस में चल रही है कंपनी। एटलीस्ट कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे होने का वेट करेंगे हम तो, और 54 के बाद ही कोई भी व्यू भी बनाएंगे अगर व्यू बनाते हैं तो, अगर फाइनेंसेस अगर अगले क्वार्टर तक और अच्छे होते हैं या अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, नहीं तो अभी कंपनी उतनी अच्छी नहीं चल रही इनकी। तो चलिए इतना ही है फिर। अगर आप लोगों को और अच्छे से ट्रेडिंग करना और डिटेल में स्टॉक एनालिसिस वगैरह सीखना है तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दे दी है, आप यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हैं और अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।